लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्ला अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई ना कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला, अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी और आजादी से जुड़े संग्रहालय को जला दिया, बांग्लादेश में मौजूद उन पाकिस्तान परस्तों के असली मंसूबे अब सामने आ गए हैं। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए हैं, जिसमें जिन्ना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए। इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। जब किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदल जाते हैं और ये बातें आपने अक्सर सुनी हो। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। पाकिस्तान लाइव के मुअज्जिज नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत गिराए जाने के बाद शेख मुजीब के मुजस्मे भी गिराए गए और अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बानी का दर्जा दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये कहना है भारतीय मीडिया का, जो कि बांग्लादेश की तारीख में पहली बार कायदे आजम की बरसी बांग्लादेश में मनाए जाने पर काफी गुस्से में है और काफी परेशान भी है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश रोज ही भारत को मुख्तलिफ किस्म के सरप्राइजेस से नवाजता है, लेकिन इस सरप्राइज ने तो भारत के होश ही उड़ा दिए और भारतीय मीडिया ने इस पर काफी रोना धोना किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद हालात रोज बरोज बदलते जा रहे हैं और अब तो भारत के लिए एक के बाद एक सरप्राइज सामने आ रहा है। शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात काफी मजबूत नजर आते थे, लेकिन उनकी रुखसती के बाद बांग्लादेश की नई क़यादत ने भारत के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू करती हैं। भारतीय मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस बांग्लादेश ने भारत की मदद से आज़ादी हासिल की वो अब पाकिस्तान की तरफ झुकाव क्यों दिखा रहा है। शेख मुजीब के मुजस्मे गिराना और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बानी का दर्जा देना बांग्लादेश में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये बांग्लादेश की तारीख में पहली बार हुआ है कि कायदे आजम की बरसी को मनाया गया है। बांग्लादेश में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बानी के तौर पर तस्लीम किए जाने का ये अमल भारत के लिए नहायत तशवीशनाक है। भारतीय मीडिया के एंकर्स और तज़ियाकारों का कहना है कि ये इकदाम खित्ते में भारत की साख को शदीद धचका पहुंचा सकता है और बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख का सबूत है। इस वाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्दअमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में अब खुद को पाकिस्तान के करीब और भारत विरोधी दिखाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन कौन हैं ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं? ढाका प्रेस क्लब में हुए जिस कार्यक्रम में ये मांग उठी वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े संगठन का कार्यक्रम था। जमात से जुड़े नागरिक परिषद के लोग भाषण देने वालों में शामिल थे। वैसे जमात को खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के अधिकारी भी पहुंचे।
खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल भी इस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में यूरो सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो बताता है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बदलने वाली जमात की साजिश में यूनुस सरकार भी शामिल है। खास बात यह है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब चीन की मदद से फिर से पाकिस्तान के साथ मिलने के सपने देख रहा है। ऐसे आईएसआई के साथ मिलकर हसीना सरकार को गिराने के मास्टरमाइंड रहे जमात इस्लामी बांग्लादेश की जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की योजना इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश की बड़ी आबादी आज तक पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों को नहीं भूली है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर 30 लाख बांग्ला भाषियों की हत्या की गई थी। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर बेतहाशा जुल्म किए थे, लेकिन इस विभाजन की नींव खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। 1948 में जिन्ना ने ढाका का दौरा किया था और वहां पर साफ साफ एक बात कह दी थी कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू ही होगी और उर्दू का विरोध करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। बाद में बंगाली वर्सेस उर्दू की लड़ाई पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी। लेकिन अब जमात और बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर फिर से प्रेम दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि तख्ता पलट के बाद बेहद ताकतवर हो चुके जमात की सोच का विरोध करने वाले भी डर की वजह से खामोश हैं। लेकिन क्या इस डर के साए में बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता को भी बदल देगा? इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर मोहम्मदपुर हमारे बाप दादाओं का निवास स्थान रहा है, वे पाकिस्तान के लिए मरे, ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को दो भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है।